इसी घर में लगता है व्यवहार नहीं करते ना ढूंढ लो कहाँ पर रखा है। मिर्जा ने ढूंढा कहाँ पर रखे हो लोग चले जाते हैं मुझको लेना गुरुदेव Hey।
नित्यानंदन की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बांधे सुन कथा सुन गुरुदेव गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को दिखा देते प्रणाम। जब गुरुदेव जब कम भाषा में कम शब्द में जब शास्त्र का सारे अर्थों को बताना चाहते थे प्राय करके गुरुदेव एक श्लोक को बोलते थे। वो श्लोक है रूप गोस्वामी कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसना मनसि निजज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिल इति उपदेश। तो जितने सारे उपदेश में यही सार उपदेश है। क्या सार उपदेश है? पहला क्या करनी चाहिए? बोले तन्नाम भगवान की नाम हमें जप करनी चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र का जो निचोड़ अगर सारे शास्त्र को मंथन करेंगे तो अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो भगवान का नाम है। अगर हमने सारा सब कुछ जीवन में कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम ही रुचि नहीं, भगवान के नाम नहीं करते, लास्ट में गोल आदमी, इसलिए लास्ट में जो मरते हैं यही तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वाला गते है, सब झूठा सत्य तो भगवान का नाम है। इसलिए गुरुदेव कहते थे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ कर काम करो और करोड़ों काम छोड़ कर हरि नाम करो, क्योंकि जाएगा तो वही। अगर जीवन में कभी सुखी बनेंगे तो भगवान का नाम से ही सुखी बन सकते, और दुनिया में किसी चीज को द्वारा जीवन में हम सुखी नहीं बन सकते, प्रभु का नाम को द्वारा ही हम सुखी बन सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नामा आश्रय करी जतन तुमी थाकह अपन काजी, बोले अपना काम करो लेकिन आश्रय किसको लेकर के, बोले हरि नामा आश्रय करी जतन तुमी, भगवान का जो नाम को जतन पूर्वक है आश्रय करते हुए अपना घर के सारे काम करो, जो काम कर रहे हो भगवान का नाम का आश्रय करते हुए भी काम करो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु बोले मैं तुम लोगों को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है। ये हरिनाम को क्या करो, इसको अपना निर्बंध नियमित पूर्वक ये हरिनाम को नियमित संख्या रख करके हरिनाम को करो। बोले संख्या रखने का क्या जरूरत है, जब होगा तो कर लो। बोले नहीं, संख्या इसलिए रखते हैं जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ रहे कि ना स्कूल का नाम जा करके मैदान में खेल खाल करके और शाम को आ जाते हैं कि हम स्कूल पढ़ करके आ गए, लेकिन पता कब चलेगा, जब पेपर आएगा, जब एग्जाम आएगा ना, कितना मार्क आया है उससे पता चल जाएगा कि कितने पढ़ाई लिखाई कितने किया है ना, उससे ही पता चलता है। उसी तरह है ठीक, उसी तरह हम भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता कैसे चलेगा, जो माला से संख्या पूर्वक करेंगे, क्योंकि भगवान बोले कलिजुगे धर्म है नाम संकीर्तन, कलिजुग का जो युग धर्म है हैं भगवान के नाम को द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए महाप्रभु बोले यह है ते सर्व सिद्धि है सवार, सर्व सिद्धि मतलब जो कुछ मांगोगे
सब कुछ नाम से होगा। इसलिए कहते सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्रेम, भगवत प्रेम है, भगवान का नाम से ही भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति उसका नाम से ही अवतरण होगा। इसलिए बोले कलियुग के नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलियुग में किस रूप में अवतार लिया, भगवान अपना नाम रूप में ही भगवान ने कलियुग में अवतरण लिया है, है? इसलिए पढ़ाई कर रही है, पता चलेगा कब, जब पेपर आएगा, ठीक उसी तरह हमारी भजन ऊपर जा रहा है ना, नीचे जा रहे, पता कहीं चलेगा। कहते हैं भगवान का नाम जब हम संख्या पूर्वक करेंगे, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, हैं? बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से बढ़कर के भगवान की नाम। इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपना नाम की महिमा भगवान भी स्वयं बता नहीं सकते, उनके नाम की इतने महिमा। इसलिए जिस समय मैया जशोदा पुतना आ गई ना, पुतना आ गई, तो अभी उस जो पुतना को भगवान मार डाले, मैया तो सोचा हमारा लाला थोड़ी मार सकता है, कहीं हाँ हठात उन्होंने होचट खा करके मतलब टकरा करके गिर पड़ी से मर गई है, लेकिन मेरे लाला मार दिया थोड़ी बताए है, लाला तो छोटा सा मारेगा क्या। इसलिए जब पुतना को मार दी, इतने में मैया कृष्ण को तिलक लगा रही, ललाट के सबाय नमो, उदर नारायण आय नमो, बखे माधव आय नमो, कंठे गोविंद आय नमो, दक्षिण पार से विष्णु आय, मधुसूदन त्रिविक्रम, जब स्थापना कर रही थी तिलक लगा रही थी, माँ जसुदा कृष्ण को स्वयं ये तिलक लगा रही थी, मेरे लाला को ललाट को केशव देव रखा करे, उदर को नारायण रखा करे, माधव को बख्य स्लोक रखा करे। कृष्ण मन मन में सोच रहे, देखो मेरे नाम की कितने महिमा, भैया मेरे नाम को, मैं स्वयं नाम ही मैं कृष्ण हूँ, लेकिन मेरे नाम पढ़ पढ़ करके मेरे को मैया तिलक लगा रही है, ललाट कृष्ण का ललाट को केशव उदर क्या करे, उधर को नारायण, मैं तो स्वयं नारायण कृष्ण उधर मैं तो मैं ही हूँ ना, और मेरे नाम मैया पढ़ पढ़ क्या करे, मेरे को रखिया कब से पढ़ा रही है, मेरे लाला के ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आ जाए, भगवान के नाम को धर मेरे को कृष्ण मन में भाष रहे, देखो मेरे नाम मेरे को रखिया करता है, मेरे नाम मेरे को, मेरा नाम मेरे को स्वयं रखिया करता है, मतलब इतना भगवत नाम में इतने महिमा भगवत नाम है। इसलिए हमने कितने माला की है, हैं? उससे पता चलता है हमारी भक्ति बढ़ रही ना हमारी भक्ति घट रही है। इसलिए माला में संख्या करके हमें इतना आज हम माला करेंगे, हैं? माला में तो संख्या करके करो, लेकिन जब घर का जो काम कर रहे हो, भगवान की रसोई बना रहे हो, भगवान का नाम लेते लेते रसोई बना, घर में झाड़ू लगा रहे हो, भगवान का नाम लोग लेकर झाड़ू लगा रहे, स्कूल अपना जा रहे हो, भगवान का नाम जब जब कर जाओ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयन कि भोजन कि वा जागरण अहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने, कि शयन बोले सोते समय, बोले सोते समय कैसे करेंगे, जगते समय तो कर सकते, सोते समय कैसे करेंगे। अब देखना, अब किसी चीज में बहुत ज्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हो, बहुत ज्यादा किसी चीज में, आप देखना सोते समय वही आपको सपना आती, कोई चीज को जैसे बच्चे लोग पढ़ाई का समय पढ़े पढ़ाए स्वप्न देखते हो, पेपर दे रहे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर दे रहे हाँ पेपर दे रहे, कि वही चीज को सोचते हो ना, वही चीज को सोचते हो। इसलिए जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, देखना आप सोते समय आप देखोगे जैसे भगवान के नाम, हम मैं जो एकदम पहले पहले आया हूँ, एकदम मंदिर में पहले पहले आया, एक समय हमारे अभी जो आचार्य मंदिर का सागर महाराज, वो सागर महाराज आचार्य थे, एक दिन जैव धर्म पाठ कर रहे थे, जैव धर्म में सुनते सुनते उसमें प्रश्न आंसर उत्तर आंसर प्रश्न आंसर उसमें बोल रहे, जो भगवान का नाम कैसे करनी चाहिए, बोले 10 तरह का नाम अपराध को त्याग करते हुए प्रभु का नाम करेंगे तभी हमें भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। भगवत 10 तरह का नाम अपराध छोड़नी चाहिए, वैष्णव अपराध, गुरु निंदा, शरीर में मैं मेरा पण नहीं रखनी चाहिए, भगवान को साथ में दूसरे देवादेवी की बराबर मानना है, भगवान का नाम की जो महिमा अति स्तुति करना, अरे शास्त्र में बता दिया एक कृष्ण नाम जितने पाप को नष्ट करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता, बोले इसे कैसे हो सकता है, बोले ये सब अपराध छोड़ करके जब हरिनाम करेंगे तो भी हरिनाम आपको भगवत प्रेम प्राप्त कराएगा। लेकिन कहते अगर हम बहुत कोशिश करें नौ तरह का अपराध को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक अपराध इसको छोड़ना कठिन, बोले क्या है,
ये शरीर में मैं और मेरापन, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये जो शरीर का प्रति हमारी जो आवेश है, ये चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है। और दूसरे चीज को तो हम छोड़ सकते हैं, कोशिश करें किसी गुरु वैष्णव का निंदा नहीं करे, ठाकुर को नाम को साथ में उसको महिमा को अतिस्तुत नहीं करे, दूसरे देवादेवी को साथ में हम भगवान का नाम को ब्रह्मा शंकर जी को साथ में है तुलना नहीं करे, इस सब तो कर सकते हैं, लेकिन शरीर का प्रति जो आवेश जाएगा जैसे बहुत कट जाएगा जैसे। फिर उसका उत्तर देते हैं कि एक उपाय है, अगर कोई अहर हरि नाम करते रहे, मतलब हर समय उठते बैठते सोते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, अगर हर समय कोई भगवान का नाम जप करते रहे ना, है क्या होगा, जब तुम हर समय 24 घंटे भगवान का नाम जप कर रहे हो, तुम्हारी समय नहीं वो अपराध करने का, वो आवेश खत्म हो जाए, क्यों, हर समय तुम प्रभु का नाम जप कर रहे हो। कहते केवल एक ही उपाय है, ये नाम अपराध से बचने का एक उपाय, हर समय हर समय ये नामानुशीलन को करनी चाहिए, भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, पर तुम समय नहीं, जब मैंने सुन लिया फिर मैंने तो हमको ऐसे नाम करनी चाहिए, तो मेरे भगवान का नाम जप करना शुरू किया। जैसे हमारे पुरी में रहते समय बहुत सेवा हमको करना पड़ता था, बहुत सेवा जो सोच भी नहीं सकते, 24 घंटा करो सेवा, दिन में 4 प्रहर माला करना भी कठिन होता था, इतने सेवा, मार्केट भी जाना, सब्जियां मनिया करना, मंदिर साफ करना, माला बनाना, सबको प्रसाद खिलाना है, बर्तन मलना, इस सब बहुत सेवा करना पड़ता था। अभी हमारे पास समय नहीं, इसलिए बोले हाथों में सेवा करो और मुंह में भगवान का नाम जप करो। तो मैंने इतने नाम हर समय उठते बैठते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, हर समय 24 घंटा करना शुरू किया, करते करते, लेकिन मैं जब सो जाता था मेरे को पता नहीं था, लेकिन हमारे पुरी महाराज, सागर महाराज, मणि महाराज रहते थे, बोलते तुम रात में भी सोते सोते हरिनाम करता था, फिर तो बोलते थे बोले तुम हरिनाम सोते समय सो रहे हो, हम देख रहे हरिनाम कर रहे, तुम हम देख सोते सोते लोगों को समझाया करते थे कृष्ण लीला ये रामलीला हमारे मंदिर में सुंदर सुंदर पुरी में, कहते मैं देखा सोते सोते भी तुम रामलीला कृष्ण लीला समझा रहे था किसको, इसका मतलब है अगर हम हर समय हरिनाम करेंगे ना, उसमें क्या होगा, जिस चीज में संपूर्ण आप डूब जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाओगे, वही चीज तुम्हारी हर समय, इसलिए की शयन बल्कि भोजन, प्रसाद पाते समय बल्कि बा जागरण, जगते समय बोले आहार निश्चिंत कृष्ण बोला, हर समय भगवान को स्मरण करो, हर समय भगवान की नाम जप करनी चाहिए, है हर समय प्रभु का नाम जप करनी चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण था, है एक ब्राह्मण था, उसने उनका मन में सबको उन्होंने एक प्रश्न करते थे जिसका प्रश्न किसी से उन्होंने आंसर नहीं मिला, उनका प्रश्न था हम करें क्या, हमारा साधन क्या होगा, हमारी साजीव जो जीवन मिला है ये जीवन में हम साधन क्या करेंगे, और साधन करने के बाद हमें मिलेगा क्या, हम तो बहुत कुछ साधन करते हैं जीवन में, तो बहुत हम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को संसार में पाल रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन हमें मिला है 84 लाख जीवन में, ये जीवन का वास्तव साधन क्या है, हमें किस चीज की साधन करनी चाहिए, और हमें जो सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु प्राप्त होगा वो क्या हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने ये चीज उन्होंने बहुत लोगों को उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन इसका सही सही जवाब उसको मिला ही नहीं, जब मिला नहीं, कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता था प्रभु ये प्रश्न का उत्तर हमें कैसे मिलेगा, ये प्रश्न का सही उत्तर कैसे मिलेगा। अगर किसी चीज को अगर हम हृदय से भगवान को पास में प्रार्थना करते हैं ना, करते शाम सतत दुप्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजाति, कृष्ण कहते हैं तेसाम सतत युक्त नाम, जो एकदम सतत युक्त होकर के जो मेरे भजन साधन करते हैं उस पूरा लगन लाता, जिसकी जिसमें उनकी लगन जिसमें रहती है, भजताम प्रीति पूर्वक मेरे को प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामी बुद्धि जोगम तम, वो बुद्धि देने वाले कौन, ठाकुर है, उसको बुद्धि कौन देगा, वो ठाकुर ही भगवान कहते हैं, मैं स्वयं उसका रास्ता दिखाने वाले, मैं स्वयं उसको स्वयं ही उसको मैं रास्ता दिखाता हूँ। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करते थे ठाकुर को, लेकिन सभी को प्रश्न करते थे, लेकिन उसको सही सही कोई आंसर नहीं मिलता था,
जब आंसर नहीं मिलता था तब उन्होंने रात को स्वप्न देखा, कोई एक दिव्य महापुरुष आए हैं, कोई दिव्य महापुरुष यहाँ पर आए, बड़े सुंदर गौर बने के लंबे चौड़े, बड़े सारे महापुरुष का उनके अंदर लक्षण सब के सब हैं। तो उनने स्वप्न देखा, जब स्वप्न देखा सचमुच से सवेरे उनने देखा, सचमुच से उनको देखा, महाप्रभु को देखा। जब महाप्रभु को देखे तो उन्होंने उनको ये प्रश्न किया, बोले प्रभु ये जीवन का क्या कर्तव्य, हम साधन क्या करें और कर्तव्य हमें मिलेगा, हमारा प्राप्त लक्ष्य क्या है। प्रभु मैंने ये प्रश्न बहुत को किया लेकिन मैं सही सही इसका आंसर में नहीं पाया, आप कृपा करके बताओ। अरे महाप्रभु ने कहा देखो जगत में बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ लोग करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन जितने सारे साधन में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबसे श्रेष्ठ साधन ये। इसलिए बोले भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम ले पाए प्रबंधन। इसका मतलब है जितने सारे साधन में जैसे 64 तरह का भक्ति आगे बताया, उसको सार रूप में 9 तरह का भक्ति का आगे बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदन ये। लेकिन उसको जब सार रूप में लिया, 5 लिया है, हैं 5 क्या क्या है, जैसे धाम में वास करना, भगवान के विग्रह को अर्चन सेवा करना, साधु संग करना, भागवत कथा श्रवण करना और भगवान का नाम संकीर्तन करना। कहते इसमें सारास रूप में ये 5 को लिया, लेकिन इसको जो सारास रूप में लिया उसमें 3 लिया, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीनों को सार लिया। लेकिन जो तीनों को सार लेकर जो एकदम पूरा लास्ट में जो सार रूप में लिया ना, भगवान का नाम संकीर्तन। अगर कोई निरपराध के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन कर लेता है तो उसको द्वारा ही भगवत प्राप्ति उसको द्वारा हो जाएगा। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों में श्रवण को बीच में रखा। बोले बीच में क्यों रखा, बोले कारण है जो बीच में रहेगा ना, ये इसको भी मदद कर सकता है, ये इसको भी मदद कर सकता है, ये दोनों को मदद कर सकता है। जो कीर्तन करने से क्या होगा, जो कीर्तन करेंगे वही तो श्रवण हो जाएगा, जो कीर्तन करने में वही आएगा, और जो कीर्तन करेंगे और सुनेंगे जिसको वही स्मरण होगा। इसलिए जो कीर्तन है इसको करने से सब हो जाता है, अब कुछ कीर्तन माध्यम में सब कुछ हो जाता है कीर्तन से। इसलिए बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा दातानुराग द्रुतचित उच्चई हसत्यथ रोदति रहुति। इसमें कहते हैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, जब हम अपना प्रिय नाम को, हमारा प्रिय नाम क्या है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हमारे प्रिय नाम है। दूसरे दूसरे संप्रदाय में अलग अलग नाम, लेकिन हमारी ये प्रिय नाम हरे कृष्ण नाम एवं व्रत। अगर ये चीज को जीवन में कोई व्रत बना लिया, हम कहते ना हमने व्रत रखा है, व्रत बना लिया अपना जीवन का सर्वस्व बना लिया भगवान का नाम, फिर क्या होगा, स्वप्रिय नाम कृत बोले जाता अनुराग ही, धीरे धीरे भगवान का नाम में अनुराग आने लग जाएगा, भगवान के नाम में प्रेम। लेकिन कभी कभी भगवान दूसरे चीज में देखना मन तो लग जाती है, लेकिन बोलो भगवान के नाम जब करेंगे मन नहीं लगता, मन छटपट छटपट बोलो अभी तो खत्म नहीं हो रहा है, अभी रोटी गर्म हो रही है, अभी तो माला खत्म क्यों नहीं हो रही है, बार बार कभी कभी माला को हम निकाल निकाल कर देखने लग जाते हैं, ये माला खत्म नहीं हो रहेगी, कैसे करते ना। इसलिए फिर क्या करनी चाहिए, इसलिए रूप गोस्वामी ने बताए हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी कहते हैं शायद अविद्या प्रश्न सुनना रोचि गानो, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर का ये पाप है, पाप होने के नाते दूसरे चीज में तो रुचि होती है लेकिन प्रभु का नाम में रुचि नहीं होती, ये हमारे पूर्वजन्म का अपराध, ये पाप है, फिर क्या करनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण दिया जैसे मिश्री, मिश्री तो मीठा है लेकिन कभी कभी ये मिश्री दूसरों को कड़वा भी लगता है, बोले किसको कड़वा लगता, बोले जिसको जंडिस का बीमारी, जिसको पीलिया बीमारी हो गई, लेकिन मिश्री तब मीठा कहते, फिर क्या करना, पहले तो कोई उपाय नहीं होता था, पहले डॉक्टर बोलते देखो मिश्री तो मीठा लेकिन तेरे को अभी मीठा नहीं लग गया, तेरे को कड़वा लग गया, लेकिन कड़वा लगने पर चूसना, उसको चूसते रहना, चूसते 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 क्या होगा, तुम्हारी जो जंडिस बीमारी है धीरे धीरे कड़वा धीरे 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 खत्म हो जाएगा, जीवा कड़वा आ गया, धीरे धीरे ये कड़वा अपना खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगी ना फिर तो मिश्री इतने मीठे लगने लग जाएगा, छूटेगी
है तो भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन अभी मीठा नहीं लगता है, हम दूसरे चीज मीठा लगती है, हैं? दूसरे बात करना, इधर उधर बोलना मीठा लगती है। पर करना क्या चाहिए? बोले ये करनी चाहिए, इच्छा नहीं रहने पर भी माला लेकर के बैठो, माला लेकर के बैठो, बैठ कर क्या करो? बोले अनुदिन जन तब नाम गाई प्रमेत कृपया तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादी बनामा सब। भक्तिमोहन ठाकुर इसका ट्रांसलेशन कर रहे, बोले अनुदिन जन तब नाम गाई, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इच्छा नहीं रहने पर माला बैठो और आदर पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। नाम जप कर, नाम जप करते 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 क्या होगा, जो हमारी पाप है जो अनर्थ धीरे 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 खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जितना परिमाण खत्म होगा उतना परिमाण में भगवान का नाम हमें अच्छी लगने लग जाएगी, है? जब भगवान का नाम अच्छी लगने पर क्या होगा, एवं स्वप्रिय जाता अनुराग, धीरे धीरे उसका प्रति अनुराग आने लग जाएगा। जब भगवान का नाम में हमारी अनुराग प्रेम हो जाए ना, द्रुतचित उच्च तुम्हारा जो हृदय है ना, फिर धीरे 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 हृदय तुम्हारी नाम लेती है। अभी नाम लेने पर भगवान के नाम में रुचि नहीं, हृदय द्रव्य तो नहीं होता है, तदस्म सारम, जैसे पत्थर हो गया है, जैसे पत्थर हमारे हृदय हो गया, इसलिए भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं हो रही, लेकिन जब रुचि होने लग जाएगी ना, इसमें क्या हृदय नाम लेते ही आंखों से आंसू बहने लग जाएगी, हैं? इसलिए नयनम गलदस धारया, आंखों से आंसू बहने लग जाएगी, बदनम गदगद हृदय गिरा, इसलिए हृदय गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगी। पर जब इसे होगा द्रुतचित, फिर क्या हसत्यथ, हसत्यथ मतलब फिर जैसे टीवी में सीरियल देखते ना, सीरियल ऐसे तुम्हारे हृदय में भी भगवान का सीरियल उतरने लग जाएगा, भगवान की सुंदर सुंदर ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीला देखने को लग जाएगी, है? लीला दिखेगी हृदय में ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर, इसलिए देख कर क्या करेगा, वो हंसने लग जाएगा ठाकुर को, तब वो कहते क्या क्या लीला दिखती जो हंसती है। बोले एक समय एक गोपी ने बड़े सुंदर मक्खन बनाया, बोले क्यों, बोले कृष्ण के लिए बनाती है, लेकिन वो गोपी देखती है कृष्ण तो आते हैं मक्खन तो खाते हैं लेकिन झट भाग जाते हैं, दर्शन तो होता है पूरा दर्शन नहीं हो पाता, आज ये काम करूंगी जब कन्हैया घर में आएगा ना मक्खन तक खाएगा उसको घर में बांध के रखूंगा, बांध कर रखूंगी तो क्या होगा, एकदम पास में बैठ करके ना खूब उन पर निहारती रहूंगी, खूब जी भर करके देखूंगी। इतने में कृष्ण आए, आकर के इधर देखा इधर देखा, कोई है तो नहीं, लेकिन वो तो गोपी दरवाजा के कोने में बैठी चुप कर बैठी हुई, कृष्ण को पकड़ेगी बांधेगी, इतने में कृष्ण क्या चुपकी से धीरे धीरे बिल्ली जैसे अंदर में गए और कृष्ण मक्खन खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया गोपी तो देख कर खुश हो रहे थे, आज मेरे मक्खन बना सार्थकता हो गया, क्यों कृष्ण मक्खन खा रहे, बड़े खुश हुई। उसके बाद में जब उन्होंने मक्खन खा दिया ना, इतने में गोपी जाकर पकड़ ली, बोले कहाँ जाओगे, रोज रोज मक्खन खाकर भाग जाते, फिर आज मैं बांध करके मैं रखूंगी। कृष्ण बोले देख मैं तो सोच रहा था मैं अपना घर में ही मक्खन खा रहा था, और बोले अपना घर में खा रहा, चलो बांध कर रखूंगे। उसको ले बोले दीवार में हाथ रख, बांधती हूँ तो अपना जो रिबन था फीता उसको निकाले, निकाल करके उन्होंने बांधने के लिए कोशिश की, लेकिन बंधे ही नहीं। बोले क्यों, बोले कृष्ण का हाथ बड़े कोमल है, मीठा हाथ है, हाँ मक्खन से भी कोमल, जितना बार बांधने के लिए जाए उतना बार खिसक जाए। इतने में कृष्ण कहता है, बोले क्यों गोपी, कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं, जब तक तुम बंधी नहीं जाओगे दूसरों को बांधोगे, पहले तो सीख फिर तुम बांधोगे। बोले तेरे क्या बांधना आता है, बोले और क्या, बोले तेरी बात छोड़ दे, तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को भी, बड़े बड़े जोगी तपस्व को भी, हैं जो आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध अभिरुक्रमी, जो आत्मा में भी रमण करने वाले बड़े बड़े ऋषि को भी अपना प्रेम से बांध देती हूँ। उसका बांधना सिखाते हुए हाथ रख, मित्र को सिखाती हूँ, बस वो गोपी हाथ रखी, कृष्ण एक बार लपेट, दो बार लपेट, तीन बार लपेट, एक गांठ दो गांठ ऐसे गुण गांठ अच्छे तरह से लगाए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आते। बोले और क्या, बड़े बड़े व्यक्ति को बांध देते। बोले खोल दे। बोले गोपी अभी तक मैं तो किसी को खोलना सिखाई नहीं, मैं तुमको बांधना ही सिखाया, हां बांधना ही सिखाया, आवाज कृष्ण 9-2-11 हां। इसलिए कहते जब उनको जो जब भगवान का नाम लेते हैं ना, अभी हमको तो अनर्थ ग्रस्त है, इसलिए हमको भगवान का नाम में रुचि नहीं होती है, ठाकुर का नाम में दूसरे चीज बात बोलो घंटे घंटे तक चली जाते हैं हमारे, है इधर उधर बात, लेकिन प्रभु का नाम में जब रुचि होने लग जाएगी, हृदय से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने लग जाएगी,
यदि ये सब भसत्यथा रोदती, कभी रोता, बोले रोता क्यों? भगवान का दर्शन किया बड़ा आनंद आया, लेकिन जब भगवान हृदय से कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं, बोले पीड़ा फिर नवकाल को तथा गर्भस्थ निर्वासनम, उनके हृदय में जो पीड़ा है कृष्ण विरह की, जैसे काल कुंड जहर से भी ज्यादा पीड़ा हृदय में जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, इसलिए रोने लग जाते हैं। फिर नृत्य थी, कभी नाचने लग जाते हैं, बोले नाचते हैं क्यों? बोले इसलिए नाचते हैं, कृष्ण जब बहुत ज्यादा विरह होता है, जैसे गोपियों ने कृष्ण विरह, हाँ कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए रास से, फिर उन्होंने कृष्ण को ढूंढे जो मिले ही नहीं, बोले कृष्ण का कीर्तन उनको बड़ा प्यारा, चलो जमुना किनारे में बैठे गए, हम कीर्तन कर भी, जब कीर्तन किया ना, अरे कृष्ण तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजी, भगवान स्वयं हंसते हंसते गले में गलबैनिया दे करके गोपियों से माफी मांगते हुए प्रकट हुए, हैं जब प्रकट हुए फिर क्या हुआ? अरे कृष्ण सब गोपियों को लेकर नृत्य किया, अरे नृत्य थी। फिर क्यों नृत्य करते हैं? जब किसको माने करोड़ रुपया बैंक फेल हो गया, दुखी हो जाएगा ना, बोले करोड़ रुपया चला गया, लेकिन पता चला नहीं करोड़ रुपया मिल गया, फिर क्या करेगा? नाचने लग जाएगा, अरे मिल गया मिल गया। तो उसी तरह सबसे बड़ा संपत्ति कृष्ण भक्ति, फिर जब कृष्ण दर्शन हो जाता है फिर नृत्यती, फिर नाचना शुरू कर देता है, हैं? इसलिए रोदती रोती कृष्ण विरह में, तो फिर नृत्यती लोकबाज्य, लोकबाज्य मतलब उसको पता नहीं चलता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हैं? क्योंकि वो दूसरे जगत में रहता है, इसी जगत में वो रहता नहीं, वो तो किसी दूसरे जगत में रहता है, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उसको बाज्य स्मृति नहीं रहती है, हर समय भगवान के प्रेम में उड़वा हुआ रहता है। इसलिए कभी जितने सारे साधनों में महाप्रभु बोले साधन क्या है, बोले भगवान का नाम ही साधन, बोले साध्य मतलब प्राप्य क्या है, हमको क्या मिलनी चाहिए, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी भगवान का नाम, भगवत प्रेम भी भगवान का नाम, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब हम मुक्त अवस्था में, आप बोलोगे अभी भी हरि नाम करना पड़ रहा है, और जब मुक्त हो जाएगा तब भी हरि नाम करना पड़ेगा, हैं? जैसे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, बोले अभी पढ़ेंगे फिर नौकरी मिल जाएगी तो माल मिलेगी ना, उस समय भी कि फिर पढ़ाई करेंगे फिर, हैं? कभी कभी बोलते ना अभी भगवान का दास तभी भी दास बन के रहेंगे, तभी भी हरि नाम करेंगे, बोले तभी भी हरि नाम ही है, हैं? तभी भी हरि नाम। जैसे उदाहरण दिया, जैसे बच्चे अभी ए बी सी डी बचपन में पहले पढ़ा ना, लेकिन वही ए बी सी डी अभी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? जो लेटर लिखा हुआ है, जो लेटर से लिखा जो शब्द है उसमें तो ए बी सी डी है ना, और क्या जो पी एच डी वाला उसमें भी ए बी सी डी रहेगा, उसमें भी यही अक्षर, लेकिन उस जो पहले ए बी सी डी था वही अभी अच्छे रूप में है, यही ए बी सी डी, जितना तुम्हारी ज्ञान नॉलेज बढ़ते जाएगी उसका भाव भी बढ़ते जाएगी उतना क्लास, उसी तरह अभी भी हरि नाम और अंतिम समय में भी वही मुक्त होने का बाद अभी भी वो लोग भी हरि नाम करते हैं, वो भी कृष्ण का गुणगान करते हैं, है? वो भी कृष्ण का गुणगान करते, इसलिए बोले एवं व्रत, जीवन का व्रत क्या बना लो? भगवान का नाम, इसलिए तन्नाम रूप चरिता, जिनका रूप को गुणगान करो, बोले कैसे भजन करेंगे? बोले तिष्ठन ब्रजे, बोले वृंदावन में रहकर भजन करो, सब हम सब वृंदावन चले जाएंगे, फिर पैसा घर से आएगा, घर में रहेंगे खाना पीना कहाँ से आएगा, अगर सब वृंदावन चले गए तो फिर हमें खाना पीना कहाँ से मिलेगा, हाँ बोले अगर शरीर से नहीं जा सकते तो मन से, हाँ मन से वृंदावन में रहो, जैसे घर में जब घर में रह रहकर ठाकुर का कीर्तन कर रहे हो, सब मिलकर घर में आरती करते हो, कोशिश करना जैसे बच्चे लोग सवेरे उठ जाते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं? साढ़े सात ना, हाँ कोई बात नहीं, तब भी उठ करके क्या करो? ठाकुर का मंगल आरती करो, जो पहले ठाकुर को मंगल आरती दर्शन करते है ना, उसको पूरा दिन भर मंगल 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 श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति, गुरुदेव कहते थे जो मंगल आरती नहीं दर्शन करते उसका मंगल कभी होना होता नहीं, मंगल उसका अमंगल ही होगा, इसलिए दरवाजा जब खोलते हैं ठाकुर का नजर हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत रे प्रति जागो का हृदय मंगलारती, जब पहला नजर किसको पर पड़ता है उसको हृदय में अपनी आप भावना भक्ति अपने आप जग जाती है, इसलिए मंगलारती मिस कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कोशिश करना ये व्यक्ति ठाकुर को आरती करे तथा मृदंग भी सीख लेना, साधना कथा करके सब आप स्वयं देख लेना, अगर मंगल आरती में थोड़ी समय लगा दिया 10-5 मिनट लगा, उसको बाद में फिर जय ध्वनि दे देना, जय ध्वनि दे करके तुलसी रख करके जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ये जो कीर्तन ये ऐसे है कि कीर्तन है जिसमें सारे वृंदावन का नाम है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ
मदन मोहन राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन काली दी जमुना जो देखो पूरा एक कीर्तन में सारे सारे वृंदावन तुम्हारी याद आ जाएगी है? एक कीर्तन ऐसे बस मंदिर तुलसी परिक्रमा कर लो, तुलसी में पानी दे दो, आप तो हरि नाम कर लो, फिर तो अपना पूरा दिन भर अपना जो कर रहे हो अपना काम कर। लेकिन इतना समय दिया था, ठीक है ना बच्चों? क्या करना, सबके सब मंगल आरती में आना, एक समय रखो जिस सब आसानी से उठ जाती हो, जिस समय आप भी स्कूल जाने से पहले उठ करके बच्चों को भी लगा देना मृदंग बजाए तो कीर्तन करे, ठीक है? कोशिश करो करने के लिए है, इसलिए करके जिस कहते तिष्ठन ब्रज, अगर घर में ठाकुर का मंदिर ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा होता है ना, कि जहाँ पर ठाकुर का नाम कीर्तन वही घर वृंदावन तुम्हारे देखने के लिए रह रहे हो घर में, लेकिन घर में रहने पर अब जिसको याद करते हो जिस चिंतन करते हो वहीं पर ही निवास करते हो, निवास वही होता है। इसलिए घर में हरि नाम भजन कीर्तन करो, बस तिष्ठन ब्रज तदानुरागी जनानुगामी, ऐसे भक्तों का अनुगत में रहो कि जितने सारे उपदेश कहिए सार उपदेश, ठीक है? कीर्तन और संख्या को नाम में कीर्तन ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर उसमें संख्या कम होती है। नहीं, कीर्तन थोड़ा लिमिटेड कीर्तन करना, जैसे इतना कीर्तन और सवेरे थोड़ा करके अपना स्कूल में जाते हो चले जाओ, लेकिन जाते समय अगर टाइम हो तो हरिनाम करते करते चले जाना, आते समय हो तो हरिनाम करते करते चले जाना, घर में समय हो थोड़ा कर लो जैसे अपना सुविधा होता ना, लेकिन तब भी थोड़ी हरिनाम सवेरे करके फिर दिन भर अपना काम जो कर लो। गीता गौर प्रेमानंद बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Thank you.
जय समागत गौर भक्त वृंद जय गौर ब्रह्मानंद हरि।